अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नुसरत बाहर किचन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ वाल चिकन करी। इसके लिए हाफ किलो चिकन, एक कप पिसा हुआ नारियल, एक कप वाल यानी बल्लर की दाल है, इसको मैंने रात भर भिगोकर इसको पील करके इसका छिलका निकाल लिया है इस तरह से, और 3 प्याज, 3 टमाटर और तेल, थोड़ी फ्रेश मेथी, 1 कप स्लाइस ऑनियन, 2 हरी मिर्च, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, इमली का पेस्ट, नमक हसबे जायका, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरा धनिया 1/2 टीस्पून, लौंग छोटी इलायची और दालचीनी का पाउडर। सबसे पहले गैस पे कुकर रखकर इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसमें स्लाइस अनियन डालेंगे, डालकर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज थोड़ी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं अनियन का पेस्ट बना लूंगी। एक मिक्सर जार लेकर इसमें अनियन, और थोड़ा हरा धनिया डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा पानी डालकर। देखिए मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है अनियन और हरा धनिया का। अब इसको हम निकाल लेंगे। और इसी जार में टमाटर को काट कर इसका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब ये अनियन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ी इसको हम निकाल लेंगे और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर थोड़ा भून लेंगे। और इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून डालकर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसमें पानी मिला लेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इसमें पिसा हुआ अनियन पेस्ट डाल लेंगे इसमें, इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे।
अब तेल ऊपर आ चुका है, इसमें चिकन को मिला लेंगे। मिक्स कर लेंगे थोड़ा, मैं इसमें नमक मिला लूँगी, 2 टीस्पून नमक। और टमाटर का पेस्ट डालकर इसको थोड़ा भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको लिड डालकर छोड़ लेंगे, सीटी नहीं लगाएंगे, सिर्फ बंद कर लेंगे। अब ये चिकन अच्छी तरीके से पक चुका है, इसमें ये वाल मिला लेंगे यानी बलर की दाल। इसको मिक्स कर लेंगे। और इसी में ये कोकोनट पाउडर पेस्ट भी मिला लेंगे। इसको भी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने 1 कप जितना पानी मिला लिया है, और इसमें अब इमली का पेस्ट डालकर मिला लेंगे। और ये फ्रेश मेथी भी इसमें डाल लेंगे। डालकर थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। ये दाल है, बहुत जल्दी गल जाएगी। इसमें ये 2 हरी मिर्च भी मिला लूँगी, मिलाकर थोड़ी देर इसको पकने देंगे ऐसे ही। अब इसमें एक गरम मसाला मिला लेंगे, मिलाकर इसको अब अच्छी तरीके से पक चुका है। गैस ऑफ कर लेंगे, ऑफ करके डिश आउट कर लेंगे। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और ये तली हुई प्याज इसे ऊपर से इस तरह से गार्निश कर लेंगे। थोड़ा कोथमीर भी डालेंगे। देखिए नाजरीन, मैंने वाल चिकन करी बनाकर तैयार कर लिया है। नाजरीन, आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।